हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू ऑटो शिफ्टर्स। आज मैं लाया हूँ आपके लिए सुजुकी एक्सेस 125 का माइलेज टेस्ट। ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप बढ़िया ऑटोमोबाइल कंटेंट को मिस ना कर दे, और ये लाइक बटन भी दबा दे। बेल नोटिफिकेशन भी आप दबा सकते हैं फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन, और आप अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मैं इसका फुल टैंक करवा रहा हूँ, मैं थोड़े दिन में इसका माइलेज रिव्यू करूँगा। मैंने इसका ट्रिप मीटर अब ज़ीरो कर दिया है और ये व्हीकल अभी 699 किलोमीटर चला हुआ है। थोड़े दिन में इसका रिव्यू मैं कर दूँगा इसके माइलेज का। थैंक यू। मैंने ये एक्सेस में हवा भी फुल करवा दी है इसकी ऑप्टिमम प्रेशर के लिए, ताकि एक अच्छा रिजल्ट मिल सके माइलेज का। अब मैंने पेट्रोल फुल करवा दिया है तो अब इसका माइलेज मैं आपको कैलकुलेट करके जल्द बताता हूँ। मैंने फ्यूल पहले जब भरवाया था तब मैंने इसका ट्रिप मीटर रीसेट कर दिया, अब मैंने जब भरवाया तो ये व्हीकल 207.8 किलोमीटर चला है। तो अब इसका माइलेज कैलकुलेट करते हैं। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये माइलेज मैंने टैंक टू टैंक मेथड से किया है, यानी कि पहले फुल टैंक करवाई, फिर व्हीकल को यूज़ किया अराउंड 200 किलोमीटर, और बाद में फुल टैंक करवा के देखा कि कितने लीटर है, उसको किलोमीटर जितने ड्रिवन थे उससे डिवाइड कर दिया और माइलेज मिला। तो चलिए देखते हैं इसका माइलेज कितना है। जैसा कि आपने पहले वाली क्लिप में देखा, ये व्हीकल 207.8 किलोमीटर चला था जब मैंने ट्रिप रीसेट की, और ये व्हीकल ने 3.89 लीटर लिए उतने चलने के लिए। तो अब देखते हैं इसका माइलेज कितना है। जैसा कि आपने देखा, ये व्हीकल ने मुझे 53.41 का माइलेज दिया। ये माइलेज मैंने सिटी कंडीशन में एक्सट्रैक्ट किया है, ना कि हाईवे पे। हाईवे पे आपको थोड़ा ज़्यादा भी मिल सकता है, और 10% ऑफ द टाइम मेरे पीछे कोई पिलियन भी बैठी थी, इसलिए ये माइलेज कुछ हद तक उसके कारण भी अफेक्ट हुआ है। पर 53.41 एक सिटी कंडीशन में बहुत ही अच्छा माइलेज मैं मान सकता हूँ, और आप भी ये माइलेज को ईजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप हाईवे पे इस व्हीकल को अकेले ले जाओगे तो आपको शायद इससे भी ज़्यादा माइलेज मिल सकता है। ये एक्सेस के माइलेज को मेरी तरफ से एक बहुत बड़ा थम्स अप है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नए ऑटोमोबाइल कंटेंट के साथ। धन्यवाद।